हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज क्या करने वाले हैं, जो रत्ना सागर बुक है उसका मैथ का क्लास एट्थ का, स्टैंडर्ड एट्थ का, जो क्वेश्चन नंबर 21 से कल लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक बच गया था, उसे मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 तड़कता भड़कता क्वेश्चन है, बच्चे देख के डर जाएंगे, बट डरना नहीं है, काबू रखना है। डर को काबू रखो, मन को वश में करो, क्योंकि बिना मन को वश में किए कुछ भी नहीं हो सकता है। और तुम लोग को मैं एक राज बता रहा हूँ कि जितना देर मैंने अभी बोला उतना देर में हमने एक क्वेश्चन लिख लिया है। ये देखो, लिख लिया ना। अब देखो, आराम से सॉल्व करना, कोई जल्दीबाजी नहीं, एग्ज़ाम में भी नहीं और यहाँ पर भी नहीं। ठीक है, अब देखो, इन दोनों को मैंने पहले सॉल्व किया तो आया 5 × 20 एलसीएम 5x-12। आप लोगों का अब आ गया होगा, अब आप लोग एक्सपीरियंस्ड मैन हो। डिवाइडेड बाय, ये बड़ा वाला डिवाइडेड है, इसको मत भूलना। ठीक है, 4/3, तो इसका एलसीएम हो गया 3। 4 − 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x इज इक्वल टू −3/20। ठीक है, ठीक है, अब कुछ मत करो, ध्यान से बस देखो। 5x-12/20 डिवाइडेड बाय इतना, तो यदि जब डिवाइडेड बाय रहता है तो राइट साइड वाला उल्टा होकर के मल्टीप्लिकेशन में चल जाता है। ठीक है, तो 5x-12 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 3/4 − 21x इज इक्वल टू क्या हो गया, −3/20। ये देखो 20, ये देखो 20, कट गया। ये देखो 3, ये देखो 3, कट गया। तो बचा क्या, 5x-12/4 − 21x इज इक्वल टू बचा −1। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो गया, 5x-12 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया, ठीक है, मत आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 − 21x कोई दिक्कत नहीं, 5x-12 −−+21x +−−4 21 5 26x −12 + −8। अरे क्या हुआ आंसर, आंसर आया 1 − 1/2। हमने कहाँ गड़बड़ी की है, x इज इक्वल टू −1/2 आ रहा, हमारा तो कुछ और ही आ रहा, हमारा तो कुछ और ही आ रहा है, कहाँ गड़बड़ी की हमने। देखो 5 × 20 क्वेश्चन तो सही है ना, क्वेश्चन तो एकदम सही है भाई, तो आप लोगों ने ध्यान से देखा नहीं, इसी के लिए मैंने गड़बड़ी की। देखो इसके एलसीएम लिए, ठीक है, ये इस 5 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 − 21। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करना था 3 से हमने मल्टीप्लाई किया −3/20। अब देखो इसको मैंने उलट दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, 3 कट गया, 20 कट गया, 5x-12 डिवाइडेड बाई 4 − 21x। ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर इज इक्वल टू −1 हो गया, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ कट गया, तो बचा क्या, −1। तो 5x-12 डिवाइडेड बाई 4 − 21x, तो 5x-12 इज इक्वल टू 4 माइनस में हो गया, तो 21 − 4। ठीक है, तो आ गया 26 और इधर आ गया −8। एक मिनट, फिर से देखो फ्रेंड्स, फिर से देखो, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो देखो, ध्यान से देखो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो हमने सही किया है, बट यहाँ पे हमने गलती किया। आप लोगों को सब्ट्रैक्ट नहीं आता है, सीख लो। 21 − 5 क्या हो गया, 16 हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, −1/2 हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन देखो, अब वैसा ही है, बच्चा देख के डर जाए बट हम लोग नहीं डरेंगे। +7 2/5x-4 इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसको पहले सॉल्व करना है। एलसीएम हो गया 4, 3x + 4 से मल्टीप्लाई करना होगा 28। यहाँ पे एलसीएम हो गया 5, 2x-5 से मल्टीप्लाई करना होगा 20 इज इक्वल टू 5/4।
अब ये देखो डिवीज़न में है तो उधर जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ये भी कर सकते हैं, इधर डिवीज़न में उधर मल्टीप्लिकेशन में भी भेज सकते हैं। चलो यही इस बार करते हैं, इस बार वैसे बताएं, इस बार ऐसे बता रहे हैं, इस पिछले वाले क्वेश्चन में बच्चा वाला बताएं कि जब डिवाइड रहता था तो उसको उलट देते थे गुना करके। अब देखो बड़ा वाला देखो, 3x+28 डिवाइडेड बाई 4, इधर डिवीजन में उधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 5/4 × 2x-20 डिवाइडेड बाई 5, 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, बचा क्या, 3x+28 इजिकल टू 2x-20, बचा क्या, x इजिकल टू माइनस 48 आ गया ना। 23 देखो, 23 एकदम आसान है, आसान सा क्वेश्चन दिख रहा है, मतलब आसान होता नहीं है, पता नहीं है एक ऐसा क्वेश्चन है, 2 × x-2 इजिकल टू 4x/x-5, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब इसको पहले मैंने सॉल्व कर लिया तो बचा 8x+3 डिवाइडेड बाई 2x-4 इजिकल टू 4x डिवाइडेड बाई x-5, ठीक है ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना भारी नहीं पड़ेगा, करना भारी नहीं पड़ेगा, हमें लगा भारी पड़ेगा बट नहीं पड़ेगा, कट जाएगा। तो देखो अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो 8x+3 × x-5 क्या हो जाएगा, देखो पहले मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। x-5 इज इक्वल टू 4x × 2x-4, ठीक है। 8x × x, 8x² - 40x+3x, 3 × 5 - 15, इधर 8x² - 16x, 8x² कैंसिल हो गया, -40x+33x, तो -37x, ये -16x इधर है तो इधर हो जाएगा +16x इज इक्वल टू हो जाएगा 15। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 और 2, -21x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू अब हमारा क्या हो गया, -15/21, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, तो x का वैल्यू क्या हो गया, -5/7। हम लोग जानते हैं ना कि ये डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होता है, न्यूमरेटर में हम माइनस कर देते हैं, कैसे करते हैं, प्लस सॉरी माइनस वन दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे अब आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये देखो क्वेश्चन नंबर 24 है, 4x-5 डिवाइडेड बाई x+2 इज इक्वल टू 8x-1 डिवाइडेड बाई 2x+1, ठीक है। इसका भी हम सॉल्व करते हैं 24 का क्वेश्चन नंबर। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 4x-5 डिवाइडेड बाई x+2 इज इक्वल टू 8x-1 डिवाइडेड बाई 2x+1। यहाँ पर भी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना होगा क्योंकि और कोई उपाय नहीं है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4x-5 × 2x+1 इज इक्वल टू x+2 × 8x-1, 4x × 2x, 8x² 4x × 1 + 4x -5 × 2x - 10x -5 × 1 - 5 इज इक्वल टू 8x² - x + 16x - 2, 8x² कैंसिल, -6x - 5 इज इक्वल टू -15x - 2, तो यहाँ पे देखो -6x और इधर प्लस है तो इधर आ जाएगा -15x इज इक्वल टू 5 - 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -21x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू -3/21, 7 = 21, तो x का वैल्यू क्या हो गया, -1/21।
सेवन आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 ठीक है। एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए। अब देखो यहाँ पर लग रहा होगा कि सब कुछ तो वेरिएबल ही है, तो निकाले क्या, सब जगह एक्स निकालते आ रहे थे, तो यहाँ पर भी एक्स ही निकालना होगा। तो निकालते हैं एक्स। एक्स प्लस ए इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू बी माइनस ए। कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है मैंने। एक्स इंटू बी एक्स बी प्लस एक्स इंटू ए एक्स ए प्लस ए इंटू बी ए बी प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू बी एक्स बी एक्स इंटू ए माइनस एक्स ए माइनस ए इंटू बी माइनस ए बी ए प्लस ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, एक्स बी कैंसिल। बचा क्या, एक्स ए प्लस ए बी प्लस एक्स ए प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। 2x ए प्लस ए बी हो गया इज इक्वल टू 0। तो एक्स ए प्लस ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से ए कॉमन निकल रहा है, ये देखो 2 जो है ना वो डिवाइड में चला गया, 0/2 0/समथिंग 0 0 लिख दिया मैंने। ए को कॉमन करेंगे तो एक्स प्लस बी आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये ए भी डिवाइड में चला जाएगा तो 0, तो एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी हो गया। यदि माइनस बी यहाँ पे पुट कर दोगे तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आशा करते हो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर 2A कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।